सोहो फनकार शहर दे ये आपको गाए असया दी झुकियां टिपियां दे सोहो शहकार शहर दे असा खुश है रोही भोगा विचा तेरे महल मीनार शहर दे शहजादे असादे नहीं माने तेरे फुल महकार शहर दे नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चोलिस्तान में और चोलिस्तान का ये इलाका है कसाई वाला टोबा। ये ड्रावर से कोई 10 से 15 किलोमीटर दूर है और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और हमारी पूरी कंपनी है, दोस्त भी हैं और हमारे मकामी जो दोस्त हैं बड़े वो भी इधर मौजूद हैं। तो हम आपको यहाँ चोलिस्तान में जो टोबे हैं बड़े, जो चोलिस्तान की पहचान है वो भी हम आपको दिखाएंगे और चोलिस्तान के बारे में भी बताते चलेंगे कि ये सहराए चोलिस्तान जो सा है 66 लाख एकड़ रकबे पर मुहित है और इसमें 1100 के करीब टोबे हैं। बड़े टोबे मकामी ज़बान में वो उनको कहते हैं कि जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो सारा साल चोलिस्तानी और चोलिस्तान के जो जानवर हैं वो इनको पीते हैं पानी, और तमाम जो इन्हसार है जो सा है वो पानी पर होता है, इसीलिए पानी चोलिस्तान में ज़िंदगी की हैसियत रखता है। हमारे साथ जी हफीज़ मंसूरी साहब भी मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे भी बात करते हैं कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं। जी हफीज़ भाई, क्या जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि डेजर्ट के, डीप डेजर्ट के अंदर जाया जाए
और डीप डेजर्ट के अंदर जाकर जो हम चोलिस्तान के बारे में किस्से कहानियाँ सुनते हैं, यहाँ की तहजीब के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की सकाफत के बारे में, यहाँ की तारीख के बारे में, तो हमारी जो है ये ख्वाहिश आज राशिद भाई के तवस्सुत से पूरी हुई और आज हम यहाँ आए हैं। यकीनन एक तो इन दिनों में बारिशें हुई हुई हैं, तो बारिशों की वजह से चोलिस्तान का जो नज़ारा है वो ऐसा है कि जैसे हम शुमाली इलाका जात के अंदर फिर रहे हों। हर तरफ हरियाली हरियाली है और हर तरफ हमें इस चोलिस्तान के अंदर जो है वो हर तरफ चरते हुए जानवर नज़र आए, भेड़ बकरियाँ नज़र आईं, माल मवेशी नज़र आया। तो यहाँ के जो मकामी दोस्त हैं अमजद भाई, इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें पूरा प्रोटोकॉल दिया, बड़ी आनर और डिग्निटी के साथ जो है वो हमें इन्होंने यहाँ रिस्पेक्टफुल वे से हमें इस्तकबाल किया। हम इनके भी ममनून हैं। राशिद भाई का भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरशद कामरान साहब और अक्रम नासिर साहब, ये लोग भी मौजूद हैं। और अक्रम नासिर साहब जो हैं वो उन दोस्तों में से शामिल हैं जिनकी डेजर्ट के ऊपर एक बड़ी गहरी रिसर्च है, और डेजर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर राशिद भाई अगर उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो वो बड़ा एथेंटिक भी होगा, बड़ा जेन्युइन भी होगा और बड़ा वैल्यूएबल भी होगा। जो नाजरीन को इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो अक्रम नासिर के तवस्सुत से ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं तो राशिद भाई से रिक्वेस्ट भी करूँगा ताकि जो है वो अक्रम नासिर साहब को अपने व्यूज़ और तबादले ख्याल के लिए बुलाएँ और हम भी उनकी जो है ना इन जो है कीमती बातों से मुस्तफ़ीद होंगे। बाकी सच में ये है कि बड़ा अमेजिंग टूर था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। हम दोस्तों को भी ये कहेंगे कि वो जब भी उनको फुर्सत के लम्हात मिले वो डेजर्ट का रुख ज़रूर करें। ये हमारा एक नेचुरल और कीमती असासा है भावलपुर का, तो डेजर्ट में आकर आपकी फीलिंग्स चेंज होती हैं और आपको बिल्कुल ट्रू और जेन्युइन जो है ना वो सीन देखने को मिलते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज भाई। अच्छा, नाज़रीन को ये भी बताते चलूँ कि ये जो 66 लाख एकड़ पर रकबा जो मुहित है चोलिस्तान का, इसमें ये ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। 15 लाख से ज़ायद जो इसमें लाइव स्टॉक है जिसमें ऊँट हैं, गायें हैं, भेड़ और बकरियाँ हैं, बड़ी ये चोलिस्तान की जो जड़ी बूटियाँ इन पर पल पली है और ये ऑर्गेनिक का ख़जाना हम इसको कहते हैं। मजीद हम इसमें अक्रम नासिर साहब भी हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या आज के अपने तासुरात। जी चल, हम आमतौर पर जब चोलिस्तान की बात करते हैं तो चोलिस्तानियों को भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लकोदक सहरा जो है अब बहुत हद तक आबाद भी हो चुका है, लेकिन ये पाकिस्तान की शायद आखिरी उम्मीद है कि यहाँ माशी तरक्की के लिए जो इकदाम की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ज़मीन को मज़ीद काश्त करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ सहूलियात देने की ज़रूरत भी है, जो चोलिस्तानी लोग जो हैं उनको ना सेहत की सहूलियात हैं, ना तालीम की सहूलियात हैं, और कुछ ऐसे इदारों ने यहाँ पर अपनी मदाखलत को बढ़ा दिया है जिसकी वजह से यहाँ के मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम चोलिस्तान की बात करते हुए इसके वसाइल पर नज़र रखते हुए चोलिस्तानियों के मसाइल को भी हल करने के बारे में सोचें तो ज़्यादा अहम होगा। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत पुल मगज़ किस्म की गुफ्तगू करवासी साहब फरमा रहे थे और चोलिस्तान के जो मसाइल को जिस तरह से एड्रेस कर रहे थे ये इनकी खूबी है। हमारे मेज़बान अमजद भाई, उन्होंने भी हमें बताया कि चाय बन रही है तो हम चाय के लिए हम बैठे हुए हैं। तो इस दौर जब तक चाय बनती है तो हमारे साहब जो से हैं अरशद भाई जो से हैं वो भी मौजूद हैं, तो इनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आज आज जी अरशद भाई जी? थैंक यू सो मच राशिद भाई, तो आपके तवस्सुत से ये आज सारा प्रोग्राम तरतीब आया और खूबसूरत दोस्तों के साथ हम यहाँ डेजर्ट में पहुँचे हुए हैं। डेजर्ट एक एडवेंचर है और रास्ते में राशिद भी कह रहा है कि ये एक रोमांस है, तो इस रोमांस को करने के लिए और इसको चेक करने के लिए और कुदरत के इस रोमांस को देखने के लिए आप भी तशरीफ़ लें डेजर्ट में। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, एक एडवेंचर है, लोगों को यहाँ पे चैलेंज हैं, टोबे से पानी पीते हैं ये लोग, जानवर और इंसान इकट्ठे। टोबा एक लाइफ आइकन है यहाँ पर, वहाँ पानी मिलता है सारा साल का, वो बजट होता है, उसी में से जानवर भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं, लेकिन क्योंकि कुदरती एक एनवायरनमेंट है भावलपुर के साथ ये मौजूद है तो यहाँ पे एक कुदरती खूबसूरती है। सालाना यहाँ जीप रैली भी होती है, उसके साथ ये 7-8 किलोमीटर हम अंदर डीप डेजर्ट में आए हुए हैं। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरे दुनिया से यहाँ लोग तशरीफ़ लाएँ और देखें यहाँ पर। बाकी हुकूमत पाकिस्तान से इल्तमास है कि यहाँ के टोबे के लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें आसानियाँ पैदा करें, जैसे कि नासिर साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर जो है वो रकबा भी गैर आबाद पड़ा हुआ है, उसको भी आबाद किया जाए और इनको फैसिलिटेट किया जाए। जो यहाँ के लास्ट कोई साल डेढ़ साल पहले यहाँ पे कोई
उस्ताद पड़ गया था पानी का, तो जानवर और इंसान अपनी जान के लाले पड़ गए थे उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जितना गवर्नमेंट तवज्जो देगी और टूरिस्ट जितना तवज्जो देंगे यहाँ पे उतना जल्दी खुशहाली आ जाएगी और ये पूरी दुनिया का मरकज बन जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैं नाजिम ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पे 1100 टोबे तो मौजूद है ही हैं, इसके अलावा जो चौलिस्तान तरक्याती इदारे की जान से एक पानी की पाइपलाइनें भी 5 पाइपलाइनें हैं जिनके ज़रिए भी चौलिस्तानियों को पानी दिया जाता है, पर वो हम समझते हैं कि वो बहुत ही नाकाफ़ी हैं, मज़ीद इसमें काम करने की ज़रूरत भी है पड़ी। इसलिए मज़ीद हम क्या इसके हवाले से हम मज़ीद कर सकते हैं ये हम अकरम नासिर साहब से फिर मज़ीद बात करेंगे, कि इनको एक इन्होंने मुझे इशारा कर दिया एक बहुत अच्छी तजवीज़ है, तो आप मुझसे दोबारा मौका दें मुझे बात करने का, तो मैं दोबारा उनसे बात करूँगा। जी अकरम साहब, अच्छा साहब मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ का इंतज़ाम जो है अच्छे तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है, कि इस वक्त जो चुलिस्तान की इंतज़ामी सूरत हाल है उसमें यह है कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि चुलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितना चुलिस्तान है इसका अलग से ज़िला बनाया जाए और चुलिस्तान अथॉरिटी को ज़्यादा मौसर बनाया जाए ताकि एक ही फोरम पे जो है इसके फैसले हो सकें और चुलिस्तानी को मसाइल हल हो सकें। दूसरा ये है कि चुलिस्तान में अराजी के अलाटमेंट का जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें चुलिस्तानियों को जो है वो प्रेफर देनी चाहिए, सबसे पहले चुलिस्तानियों को ज़मीन दें, उसके बाद भावलपुर के लोगों को दें और फिर आगे इस बात को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल जी, चुलिस्तानियों को अराजी मिलनी चाहिए और ये भी CDA के एक्ट में है कि चुलिस्तानियों का जो है वो चुलिस्तान जो है वो चुलिस्तानियों का है और सबसे पहले इनको भी मिलनी चाहिए। 2014 बड़ी सितमज़रीफ़ी है कि 2014 में वज़ीर आला पंजाब जो सख्त थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इसका ऐलान किया था कि चुलिस्तान में को हम अलाटमेंट देंगे, ज़मीनें देंगे, और आज 2023 हो गया है जी, तक 9 साल हो गए हैं, 9 सालों में अभी तक हुकूमत की नाअहली कह लें या कुछ कह के ये अभी तक डिफाइन नहीं कर सके कि चौलिस्तानी कौन है और गैर चौलिस्तानी कौन है, और 9 सालों में अभी तक वो उस अलाटमेंट नहीं